आप सबको नमस्कार। 12 से लेकर 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। टेस्ट को अपडेट कर दिया गया है। 15 अप्रैल तक का टेस्ट आपको मिल जाएगा लिंक के ऊपर। साथ ही साथ इस पीडीएफ के अंदर आपको कैपिटल टेस्ट, यूनियन मिनिस्टर भारत के, लोकसभा राज्यसभा एवं नेशनल पार्क के टेस्ट का भी लिंक आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। बात करते हैं 11 अप्रैल की। 11 अप्रैल को एक दिन मनाया जाता है जिसका नाम है नेशनल सेफ मदरहुड डे। 11 अप्रैल को एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है नेशनल पेट डे। तो नेशनल सेफ मदरहुड डे एवं नेशनल पेट डे दोनों ही दिनों को 11 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1961 के अंदर जो पहले व्यक्ति थे जो गए थे स्पेस के अंदर, यूरी गैगरिन, ये यूएसएसआर से बिलोंग करते थे। ईस्टर जो फेस्टिवल है ये 12 अप्रैल को मनाया गया इस बारी। ईस्टर को रिसर्शन डे भी कहा जाता है। ये होलियस्ट डे होता है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर साल का। ये हर साल अलग अलग डेट के ऊपर आता है, इसकी पर्टिकुलर डेट नहीं होती है। जो गुड फ्राइडे होता है उसके 2 दिन के बाद ये मनाया जाता है त्यौहार। 13 अप्रैल को जो ओडिशा है वहाँ पर ओडिया न्यू ईयर भी मनाया जाता है। ये जो आपके सामने पिक है ये दर्शाती है एट्रोसिटीज़ को जो ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देश पे करी थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। 2020 में इसकी 101 एनिवर्सरी मनाई जा रही है। 101st एनिवर्सरी मनाई जा रही है 13 अप्रैल को। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोगों ने, जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर लोग इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर ने जो है गोली चलाने का निहत्ते लोगों पे हुक्म दे दिया था जिसमें कई जानी गई थी। इसके बाद जो कमीशन अपॉइंट करा गया था उसका नाम था हंटर कमीशन। तो अब याद रखिएगा कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर था उसके लिए जो कमीशन बनाया गया था उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। रॉलेट एक्ट 10 मार्च 1919 को पास हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड चगास डिसीज़ डे ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इंडोनेशिया के अंदर एक वॉलकैनो है जो इरप्ट हुआ था 11 अप्रैल को जिसका नाम है अनक काराकोटा। ये लास्ट 2018 के अंदर जब वहाँ पर सुनामी आई थी तब ये इरप्ट हुआ था। इंडोनेशिया की जो लार्जेस्ट कैपिटल सिटी है उसका नाम है जकार्ता। प्रेसिडेंट का नाम करें तो जोको विडोडो। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है और ये सबसे ज़्यादा मुस्लिम मेजोरिटी जो है दुनिया के अंदर वो यहीं पर रहती है। भारत सरकार ने एक युक्ति पोर्टल चालू करा है। युक्ति की फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो आपसे युक्ति की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ युक्ति, या यू क्या स्टैंड करता है युक्ति के अंदर। तो यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, इन्होंने G20 की जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसको चेयर करा था। सऊदी अरेबिया ने उसको पार्टिसिपेट करा था। इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 23.4% पहुँच गया है लॉकडाउन के कारण। अहमदाबाद भारत का पहला राज्य है, जो रेलवे स्टेशन है पहला रेलवे स्टेशन है जिन्होंने सैनिटाइज टनल बनाई है कोविड-19 के लिए। भारत का जो फिस्कल डेफिशिएट है फरवरी के महीने के अंदर वो 5.07 है। कर्नाटका बैंक के एमडी और सीईओ जो थे महाबलेश्वरा, इनको 3 साल का अपॉइंटमेंट पीरियड और मिल गया है। आईएमएफ ने 12 लोगों की टीम बनाई है जिसके अंदर भारत के
रघुराम राजन जो पूर्व गवर्नर हैं आरबीआई के और अभी ये यूएस में हैं, इन्हें भी शामिल किया गया है। बात करते हैं आईएमएफ की, हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी के अंदर। हेड की बात करें क्रिस्टीनिया जॉर्जिवा, ये फाउंड हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। मेंबर कंट्रीज़ की 189 है और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथन। इंडियन एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, ये साउथ की एक्ट्रेस हैं जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मोबाइल प्रीमियर लीग का। पद्मश्री क्लासिकल सिंगर शांति हिरानंद, इनकी डेथ हो गई है। न्यूजीलैंड के फॉर्मर विकेट कीपर जॉक एडवर्ड्स, इनकी भी डेथ हो गई है। जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर जैकी डू, इनकी भी डेथ हो गई है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन, ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो भारत है, और जो टोटल जो ग्लोबल शेयर है दुनिया के अंदर उसमें 70% भारत के पास शेयर है। भारत बाकी देशों को भी इसका एक्सपोर्ट जारी रखेगा। सरा अली खान, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है JBL का। JBL की फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, जेम्स बॉल लेंसिंग, ये एक अमेरिकन कंपनी है। चाइना का जो सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इन्होंने 1.1% जो है शेयर जो है ख़रीद लिया है। ये शेयर ख़रीदा है इन्होंने HDFC के अंदर। बात करते हैं पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग व शंघाई दोनों जगहों पर है। गवर्नर का नाम है यी गैंग। बात करते हैं HDFC की, ये 1994 में बना था। महाराष्ट्र मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आदित्य पुरी इनके MD का नाम है। सिमिलरली 0.7% शेयर जो है सऊदी अरेबिया माइनॉरिटी अथॉरिटी ने भी लिया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सामा भी कहा जाता है। तो 1.1% शेयर लिया है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने और सामा ने लिया है 0.7। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RK सचेती, इन्होंने कहा है अगर COVID-19 कंट्रोल में आ जाता है तो भारत में यहाँ पर मेंस और वुमेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप होगी 2020 में। पद्म भूषण अवार्डी और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई, इनकी डेथ हो गई है। मणिपुर की सरकार ने एक फूड बैंक चालू करा है, हेल्प एंड हंगर टुडे, ये इसकी थीम है। जो COVID-19 के कारण जो लॉकडाउन है, गरीबों को रोटी एवं जो असेंशियल गुड्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। थीम इम्पॉर्टेंट है, हेल्प एंड हंगर टुडे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इनका जन्म बाबा साहेब का 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। भीमराव रामाजी अम्बेडकर इनका पूरा नाम है, इन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहा जाता था। ये भारत के पहले लॉ ऑफिसर थे, जस्टिस मिनिस्टर थे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि बहुत कुछ इन्होंने डिज़ाइन करा है। इन्होंने एक आर्टिकल दिया था आर्टिकल नंबर 32, जिसे हर्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और 1990 के अंदर इन्हें पॉस्थमोलिसली भारत रत्न दिया था। इन्होंने 1956 के अंदर बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था, साथ ही साथ लाखों लोगों ने भी बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। पेपर में एक बार सवाल आया था कि मास कन्वर्जन जो हुआ था वो किस लीडर ने करवाया था, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का बात करें, इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। विरूपक्षा मिश्रा, ये ED बने हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। यूनियन बैंक का जो मर्जर था वो आंध्रा बैंक के साथ और कॉरपोरेशन बैंक के साथ हुआ था, जो कि 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया है। 11 नवंबर 1919 को ये बैंक बना था। राज किरण राज जी, ये इसके MD और CEO हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है। ये भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक है ब्रांचों के हिसाब से और पांचवा सबसे बड़ा बैंक है बिजनेस के हिसाब से। गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ पर एलोपैथी और आयुर्वेदा के द्वारा COVID-19 के पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने $2.5 मिलियन, साउथ पैसिफिक आइलैंड है जिसका नाम है वानुअटू,
यहाँ पर एक साइक्लोन आया है जिसका नाम है हारोल्ड। भारत का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 5.91% हुआ है मार्च के अंदर, और 6.58% था ये फरवरी के अंदर। चार इंडियन अमेरिकन्स को अवार्ड दिया गया है गांगियन फेलोशिप अवार्ड। ये चार इंडियंस हैं प्रदीप शर्मा, कविता रमनन, दिलीप दा चूना, मुकुल शर्मा। सियाचिन डे 13 अप्रैल को मनाया जाता है, ये 36वां सियाचिन डे है। हमारा जो डीडी चैनल है उन्होंने डीडी रेट्रो चालू करा है। इसके अंदर जो क्लासिकल हमारे जो ओल्ड क्लासिकल मूवीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं और जो प्रोग्राम्स हैं उनको दिखाया जाएगा। इस नए चैनल का नाम है दूरदर्शन के रेट्रो। सुरक्षा स्टोर्स, भारत सरकार आपको पता है लॉकडाउन 3 महीने तक हो गया है, इसके लिए 20 लाख रिटेल शॉप्स को सुरक्षा स्टोर्स बनाया जाएगा जहाँ पर गरीबों को एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कैप्टन अब्दुल माजिद, इन्हें डेथ सेंटेंस मिला है, कैपिटल पनिशमेंट दी गई है इनको। जो फाउंडिंग फादर थे बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान जी, और जो फादर थे शेख हसीना के, जो प्राइम मिनिस्टर है करंट के अंदर बांग्लादेश के, उनके फादर का असैसिनेशन हुआ था अब्दुल माजिद को। इनको 1998 के अंदर सज़ाए मौत दी गई थी, और ये उस समय हाइट पे थे और कलकत्ता में काफ़ी टाइम तक रहे हैं ये। तो कैप्टन अब्दुल माजिद को सैटरडे को कैपिटल पनिशमेंट दी गई है। इफ़्को ने एक कैंपेन चालू करा है जिसका नाम है ब्रेक कोरोना चेन कैंपेन। इफ़्को की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कॉपरेटिव। ये फाउंड हुआ था 3 नवंबर 1967 को, हेड क्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। चेयरमैन की बात करें तो बी एस नेखाई और डॉक्टर यू डॉट एस अवस्थी इसके एम डी ओ सी ओ हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट में कहा है भारत का जो ग्रोथ होगा वो 1.5 से लेकर 2.8% होगा। आप ये चीज़ देखिएगा, आपसे सवाल पेपर में ये पूछा जा सकता है कि साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट कौन बनाता है, तो ये बनाता है वर्ल्ड बैंक। यूएस ने हार्पून मिसाइल भारत को देने के लिए हामी भरी है, जो कि 150 155 मिलियन डॉलर्स की होगी। थैंक यू।